वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। टोक्यो ओलंपिक के ओपनिंग सेरेमनी के साथ दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन की आज शुरुआत हो गई। आतिशबाजी और रंगारंग कार्यक्रम के साथ ओलंपिक की शुरुआत हुई। ग्रीस के दल ने सबसे पहले मार्च पास्ट किया। इसके बाद भारतीय दल ने 21वें नंबर पर मार्च पास्ट किया। भारत की पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और भारत की बॉक्सिंग स्टार मैरी कॉम भारत की ओर से ध्वजा वाहक रहे। पिछले साल कोविड-19 की वजह से टोक्यो ओलंपिक को स्थगित करना पड़ा था। इस बार बिना दर्शकों के ओलंपिक का आयोजन हो रहा है। कोविड की वजह से मारे गए लोगों को भी ओपनिंग सेरेमनी में याद किया गया। एक साल देरी से शुरू हो रहे टोक्यो में ओलंपिक गेम के दौरान यह खबर परेशानी पैदा करने वाली है कि यहाँ एक दिन में कोरोना संक्रमण के 2000 केस सामने आए हैं। पिछले 6 माह में यह अब तक का सर्वाधिक बड़ा आंकड़ा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए ओलंपिक गेम में लोगों के आने पर प्रतिबंध सरकार द्वारा लगाया गया है। सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में प्रशंसक दुखी हैं। यही कारण है कि जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे की रेटिंग 30% तक गिर गई है। जापान में वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बेहद धीमी है। यहाँ अभी तक 23% ही आबादी को कोरोना वैक्सीन लग पाई है। भाजपा के बाद अब बसपा की भी समझ में आने लगा है कि यूपी आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की नगिया पार कराने के लिए ब्राह्मण वोटों की पतवार बेहद जरूरी है। बसपा ने आज अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन किया। सम्मेलन में बसपा के थिंक टैंक माने जाने वाले सतीश मिश्रा ने कमान संभालते हुए भाजपा पर सीधा निशाना लगाया। यह निशाना भी राम का नाम लेकर ही साधा गया। सतीश मिश्रा ने कहा कि भाजपा चाहती तो भगवान लला इतने लंबे समय से टेंट में न रह रहे होते। भाजपा अभी राम मंदिर का निर्माण नहीं कराएगी। राम मंदिर का सहारा वह केवल चुनावी वक्त में लेती है, फिर भूल जाती है। अयोध्या में राम मंदिर भी बसपा की सरकार में ही बनेगा। शुरू में सम्मेलन को ब्राह्मण सम्मेलन का नाम दिया गया था, लेकिन ऐन वक्त पर बदल कर इसे प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान में विचार गोष्ठी नाम दे दिया गया। सतीश मिश्रा ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। कोई गठबंधन किसी पार्टी से नहीं करेगी। गठबंधन हम यहाँ की जनता के साथ करेंगे, सर्व समाज से करेंगे। वहीं खुशी दुबे की पैरवी करने के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि उसके साथ गलत हुआ, एक दिन की ब्याहता है, हर संभव मदद करेंगे। यूपी में अब सरकारी कर्मचारी जीन्स टी शर्ट में नजर नहीं आएंगे। सरकार के निर्देशानुसार अब सभी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित कर दिया गया है। जीन्स टी शर्ट चप्पल पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश सचिवालय से शुरू हुआ यह फरमान अब पूरे प्रदेश में लागू होता जा रहा है। अलीगढ़ में भी कमिश्नर गौरव दयाल ने अधिकारियों के जीन्स टी शर्ट चप्पल पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध अलीगढ़ मंडल के 4 जिले अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज पर लागू होंगे। ड्यूटी के दौरान सभी अच्छे नजर आए इसके लिए 26 बिंदु की शीट तैयार की गई है। इसमें सफाई, शेव बनाना, बाल काटना व अन्य 26 बिंदु शामिल हैं। अपने प्यार की खातिर परिवार के 7 सदस्यों को मौत के घाट उतारने की गुनहगार अमरोहा के शबनम की फांसी की सजा के मामले में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दखल किया है। फांसी को मानवीय आधार पर उम्र कैद में बदलने की मांग को लेकर दाखिल अर्जी को राज्यपाल ने उचित फैसला लेने के लिए यूपी सरकार को भेज दिया है। वकील शहर नकवी की अर्जी में 2 दलीलें दी गई हैं। उसमें सबसे प्रमुख यह है कि आज़ाद भारत में आज तक किसी भी महिला को फांसी नहीं हुई है। इसके साथ ही जेल में जन्मे शबनम के 13 साल के बेटे के भविष्य को लेकर भी दुहाई दी गई है। पॉर्न वीडियोस के मामले में फंसे एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को लेकर पुलिस शुक्रवार को उसके घर भी पहुंची। पुलिस ने घर की तलाशी भी ली। 100 से ज़्यादा पॉर्न वीडियोस बनाने के आरोपी राज कुंद्रा की पुलिस हिरासत को भी कोर्ट ने बढ़ा दिया है। राज को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। उस पर आरोप है कि अपने ऐप हॉट शॉट्स के लिए पॉर्न मूवी बनवाई थी। अदालत ने उसे 23 जुलाई तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अब हिरासत को 27 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बीच शिल्पा और राज की ओर से गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दी गई है।
मेरठ में निर्माणाधीन छज्जा गिरने से मस्जिद में नमाज अदा कर रहे दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा शुक्रवार की दोपहर करीब 1 बजे उस वक्त हुआ जब मोहम्मदी मस्जिद में दोपहर की नमाज पढ़ी जा रही थी। मस्जिद में छज्जे का निर्माण चल रहा था। माना जा रहा है कि बरसात के कारण यह हादसा हुआ है। महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में विशेष रूप से रत्नागिरी और रायगढ़ में बारिश ने कहर बरपा रखा है। लगातार हो रही बारिश से रत्नागिरी के चिपलुन और खेड़का तो रायगढ़ जिले में महाड़ में बाढ़ आ गई है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि NDRF के साथ कोस्ट गार्ड की भी मदद लेनी पड़ रही है। रायगढ़ में लैंडस्लाइड के चलते दबने से 36 लोगों के शव अब तक बरामद हो चुके हैं। राहत और बचाव कार्य अभी जारी है। इगतपुरी में कसारा घाट पर चट्टान खिसकने और तेज बारिश से मध्य रेल की पटरी तक बह गई। मुंबई से सटे कल्याण और भिवंडी को भी बारिश के पानी ने अपने आकोश में ले रखा है। चिपलुन में सड़कें नदी जैसी नजर आ रही हैं। पेगासस स्पाई सॉफ्टवेयर जासूसी प्रकरण का विरोध विपक्ष जमकर कर रहा है। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नया सी गुफा छोड़ दिया है। इमरान खान ने कहा है कि भारत ने उनके मोबाइल फोन भी हैक कराए हैं। इस पर गंभीर चिंता जताते हुए इमरान ने संयुक्त राष्ट्र से इसकी व्यापक जांच कराने की मांग की है। भारत ने पहले ही इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा है कि भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने का प्रयास है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कोरोना की रफ्तार अवश्य धीमी पड़ी है, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। तीसरी लहर को आने से रोकने के लिए हमें अभी से सतर्कता बरतनी होगी। सरकारी गाइडलाइन का पालन करें। जब तक जरूरी न हो घर से न निकले। घर पर रहें, सेफ रहें। देखते रहिए फर्स्ट बाइट। नमस्कार।